नमाज पढ़ ली बेटा? जी अम्मी। तो फिर जाओ, ये नीचे देखकर आ जाओ। इसकी क्या जरूरत थी अम्मी? आप भी ना, आपको मेरी इंसल्ट करवाने का बहुत शौक है। क्या मतलब? नीचे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, किसी जरूरतमंद को है, मगर ना जाने क्यों आपको रिश्तेदारों से मोहब्बत के दौरे पड़ते हैं। बेटा रिश्तेदारों का हक पहले होता है, तुम लो और नीचे देकर आओ, और जल्दी से वापस आना मेरे साथ, फिर आके किचन में खाद पटाना। ठीक है। कहाँ गए सब? बीबी जी, सब लोग बस आते ही होंगे, इसीलिए तो जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करें। आप ये क्या लाई हैं? कुछ नहीं। कोई काम था जी आपको? नहीं। क्या हुआ हुर? वापस क्यों ले आई? नीचे डाइनिंग टेबल पर जितने किस्म के खाने पीने की चीजें रखी ना, आपकी सारी मेहनत बेकार ही जानी थी। चलो, हमारा फर्ज था देना, अब कबूल किया नहीं किया उनकी मर्जी। आपको तो अपने फराइज याद हैं, मगर माफ कीजिए, ताया अबू दादा जान की जायदाद की तकसीम के वक्त अपने सारे हुकूक और फराइज भूल गए थे। देखिए उन्हें किस तरह हमारे हक पर कब्जा करके इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। हुर, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, और तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या जरूरत है इन सब मामलों में बोलने की? और फिर बेटा, बाज़ लोग रुपए पैसे से ज्यादा रिश्तों को फौकियत देते हैं, जिनमें से एक तुम्हारे बाबा हैं, उन्होंने भी अपने भाई और फिर बड़े भाई को रुपए पैसे से ज्यादा फौकियत दी। ये ले आओ किचन। ये देखिए कितना खूबसूरत सेट है ना, मैचिंग का। बड़ा महंगा था, बड़ी मुश्किल से आपकी लाडी बेटी को पसंद आया। अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी है, जो मांगे उसको दिलाओ, सब कुछ इसी का तो है। और ये जोड़ा भी तो देखिए आप, आओ आओ बेटा आओ। क्या बात है? वो शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, क्या लाई हो बताओ तो। खीर बनाई थी अम्मी ने, आपके लिए भिजवाई है। अरे वाह वाह, लाओ लाओ लाओ। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि आपको शुगर है, और तुम मुंह उठा के ले आती हो, तुम्हें पता है ना? बच्ची है, उससे इस कदर रूड लहजे में क्यों बात करती? हर वक्त टांका झांकी में लगी रहती है, मुझे तो डर लगता है इसकी नजरों से, नजर लगा देगी चीजों को। अरे भतीजी है मेरी, बल्कि तुम्हें तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए था। ले आऊंगी जब ईद करीब आएगी तो। वैसे भी जो कुछ मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आती हूँ, उसके लिए तो वैसा नहीं लाऊंगी ना। जाओ ये लेके जाओ, मैं अपने कमरे में सब चीजें। भी क्या करते हैं, आपको पता है आपको शुगर है, फिर भी मीठा खाने बैठ जाते। अरे चक्कर था, बच्ची लाई थी इतनी मोहब्बत से। उरैन बेटा, भाई आज तो कमाल हो गया, हमारी बेटी अफ्तारी के बाद हमें चाय पिलाना ही भूल गई। लेकिन जानो चाय की बहुत तलब हो रही है, अच्छी सी चाय पिला। वो मैं भूल गई थी, अभी लाती हूँ। अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा, तुम्हारी अम्मी ने चाय पिला दी मुझे। ये बताओ, तुम्हारी ईद की तैयारी हो गई?
नहीं तो क्या बात है? तुम रो रही थी उरैन? बेटा क्या हुआ बताओ मुझे, बोलो। अबू, आप और ताया जान एक ही खून है, दादा की औलाद हैं, फिर इतना फर्क क्यों? ताया जान बड़ा होने की वजह से हर चीज पे अपना हक जमाए बैठे और आपका हक मार कर बैठे, आप कुछ बोलते ही नहीं। बेटा ये जो तुम्हारे ताए जान है ना, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा रिश्तों को पैसों पर फोकियत दी है। ये तो नाइंसाफी है ना बू, नीचे दौलत के अंबार है, एक पूरा साई जिंदगी गुजारी जा रही है, दौलत के रेल फेल शान और शौकत का मुजाहिरा किया जाता है, एक से एक चीज मौजूद है उनके पास, मगर उन्हें भाई का ख्याल नहीं। क्या वैसी जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं? हमें ये दो छोटे छोटे कमरे बनाकर दे दिए ताकि आपका मुंह बंद हो जाए और हमारा सारा हक हड़प करके बैठ गए, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, वो बातें मैं जानता भी हूं और समझता भी, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मैंने कभी कोई इंतहाई कदम उठाया ना, तो मैं अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा। और बेटा ये मैं कभी नहीं चाहूंगा, इसलिए बेटा मेरा मशवरा है कि तुम भी इन बातों में अपना सर मत खपाओ, छोड़ो ये सब बातें। अल्लाह ने छत दी है, दो वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाती है, यही बहुत है, शुक्राना भेजना चाहिए। और एक बात याद रखना, तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। मैंने नई गाड़ी ली है, चलो मेरे साथ चल के सेल्फी बनाएंगे, आओ ना। नो थैंक्स, मुबारक हो गाड़ी के लिए, लेकिन पिछले साल ही तो तुमने नई गाड़ी ली थी। हाँ ना, तो वो पुरानी हो गई थी, इसे नई ले ली। वैसे ताया अब्बू के पैसों पर ऐश कर रहे हो तुम, खुद कमाओगे ना, पता चलेगा। तो तुम क्यों जल के कबाब हो रही हो, अब्बा की दौलत हो या मेरी, एक ही बात हुई ना। वैसे सब कुछ छोड़ो, मेरे साथ राइड पे चलो, चलें। कुरान बेटा चलो, देर हो रही। अस्सलाम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। सोच क्या रही हो, तुमने अपनी ख्वाब भी ना इस गाड़ी में राइड नहीं की होगी, चलो मेरे साथ आओ ना। आई अबू, वो क्या है ना कि इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए, कब किसकी औकात कहाँ बदल जाए क्या पता। फिलहाल तो मेरे लिए मेरे अबू की बाई की शाहाना सवारी है, मुझे खुशी है कि मैं अपनी औकात में रहती, शौफ नहीं करती। क्या हुआ बेटा, संभाल के। हाँ संभाल के, देखो जहाँ मैंने बताया था वहीं रखना। अरे बहुत कीमती है, संभाल के बेटा। ये क्या है, अभी कुछ अर्से पहले ही तो इनका नया फर्नीचर आया था। चुप हो जाओ गुर। रुखसाना, जैसे मैंने तुम्हें सेटिंग बताई है ना, वैसी फर्नीचर की करवाना। हाँ कल रमेशा के ससुराल वाले आ रहे हैं ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें भाभी, मैं देख लूँ। अच्छा
तो उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, इसीलिए अपनी धाक बिठाई जा रही है। पैसे का जिया तो कोई तायमी से सीखे, शो ऑफ के चक्करों में लाखों खर्च कर डाले। चुप हो जाओ, उनकी अकलौती बेटी है, उनकी मर्जी, उनकी खुशी। बुरी बात, अब आ गई हो तो जरा मेहरबानी करके चुप हो जाओ। वो मैं कह रही थी कि कल आ जाना ना, थोड़ी सी नजीरा के साथ मदद करवा देना, इतना सारा काम होगा वो अकेली नहीं कर पाएगी, और तुम दोनों खाना यहीं खा लेना। चलो काम देखते हैं, आओ। फकीर समझ चुके, खाना भी यहीं खा लेना। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जा। मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। शुक्र है खुदा का, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रुमैसा बेटा, ये सारी चीजें लेके जाओ और अपनी अलमारी में रखो, ध्यान से अलमारी में रखना। ये अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। देखो अंसर, अभी इस वक्त कोई पुरानी बातें लेके मत बैठ जाना प्लीज़। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मुझे आपका मशवरा चाहिए था। मशवरा? कैसा मशवरा? एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ये जायदाद के मसाए इतने सीधे नहीं है, बड़ी पेचीदगियां हैं इनमें, और अभी मैं कोई फैसला भी नहीं कर सकता। बात दरअसल ये भाई के हुरैन का रिश्ता है। लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी खुशी की खातिर अगर आप उनसे एक बार मिल लेते तो। आप क्या करेंगे उनसे मिलकर? तुम लोग माँ बाप हो, तुम्हारी औलाद है, अच्छे बुरे के तुम लोग खुद जिम्मेदार हो, खुद जाके देखो। जा रहे हो? अब कह रहे रिश्ता देखो, कल को कहेंगे जी जहेज भी आप लोग बना के दो, ये दो वो दो, बस हम लोग यही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, मिल लेते उसमें क्या है। सुनो, तुम यहां सब तो नीचे। क्यों? मैं यहां आ नहीं सकता। आ सकते हो, पहले कभी आए नहीं इसलिए हैरत हुई। तुम्हारा रिश्ता है,
हाँ तो इनकार कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अरबाज, मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। ये मजाक है? नीचे चाचू पापा को तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? कहीं ना कहीं तो होनी है ना मेरी शादी। तो फिर मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और मेरी फैमिली में वाज़ह फर्क है और ताई अम्मी इस फर्क को कभी मिटाने नहीं देंगी। तो मैं मिटा दूंगा ना फर्क, मना लूंगा अपनी माँ को। मुश्किल है पर मान जाएंगी वो, मालूम है मुझे। हमेशा से हमारे हक पर कब्जा किए बैठे हो तुम। हमने कभी कुछ नहीं कहा, एक इज्जत नफ्सी तो बची है, वो भी छीनना चाहते हो। ताई अम्मी के बहुत अरमान है तुम्हें लेकर, अपने जैसी बहू लाना चाहती है और मैं ये दूसरे दर्जे की जिंदगी नहीं जीना चाहती। अरबाज पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, नया घर, बंगला, न्यू मॉडल कार, मगर हुरैन नहीं। जाओ। बहुत शुक्रिया आपका, आप हर साल हमारा कितना ख्याल रखती हैं। बस दुआ करना हमारे लिए। जरूर आओ रुखसाना, तुमने तो नीचे का रास्ता ही भूल गई हो। वो रमजान की वजह से इतने काम होते हैं ना, इसलिए नीचे नहीं आ सके। आप बताइए कोई काम था क्या? नहीं काम तो कोई नहीं था, तुम जाओ। ईद आ रही है ना, तो तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। सोचा तुम लोगों को भी लिफाफा दे दूँ और कुछ कपड़े दे दूँ। लो लो ना। आओ तुम भी अपना लिफाफा ले लो। तुम्हारी बेटी तो बड़ी नखरे वाली है, इसकी तो आकड़ ही नहीं खत्म होती। माफ कीजिएगा ताई अम्मी, अगर आप हक की बात कर ही रही हैं तो ये सच है कि जिन खुशियों पर हमारा हक है वो तो हमें मिली ही नहीं। और ये जो आप ज़कात और खैरात दे रही हैं बड़े शान और शौकत से दिखा रही हैं, कम से कम इन ज़रूरतमंदों में तो हम शामिल हैं। अगर आपको देना ही है तो प्लीज़ हमें हमारा हक दीजिए। और चुप हो जाओ, बोलने दीजिए अम्मी मुझे। आज इन्होंने बता दिया कि ये हमें समझती क्या है। अब्बू को देखा है आपने, मेरा भाई मेरा भाई, मेरी बच्ची कह कहकर उनकी जबान नहीं थकती। इतना प्यार करते हैं वो आप लोगों से, इतनी इज्जत देते हैं आपको, और आप लोगों के पास उनके औलाद के लिए ज़कात और खैरात। भाभी माफी चाहती हूँ, वो अभी बच्ची है, उसकी बात का बुरा नहीं मानिएगा। अबू क्या हुआ आपको? क्या हो गया, क्या बातें हो रही हैं? चीख अबू जल्दी आए सब। ये देखें ताया अबू को क्या हुआ है सब। ताया अबू ये कब से पड़े यहाँ पे? भाभी क्या भाभी को पानी नहीं करो, भाभी बोलो भाई सब उठे एम्बुलेंस। हेलो हाँ जी जी एम्बुलेंस की जरूरत है।
बता लीजिए। हाँ फौरन आइए जी। भाई साहब चले उठे। भाई साहब उठे, उठे मरीज, उठे भाई साहब, डॉक्टर के चलते चल भाई साहब आराम से। हाय अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है, अब सार को क्या हो गया? आप हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह ताया अबू को कुछ नहीं होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अबू और अरबाज हैं उनके पास हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स ने कहा है कि सीवियर हार्ट अटैक था लेकिन हम उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले गए। मुझे माफ कर दो, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं अब सार के साथ क्या होता। मुझे माफ कर दो। हाँ ऐसी कोई बात नहीं, ये वक्त नहीं है इन बातों को। आप हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, शुक्राने के नफिल अदा करें, मैं आप सब लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। रोइए नहीं ना, सब्र करें, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अब सार भाई बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह करे मेरा बेटा, मैं तो सारी जिंदगी के लिए तेरा मकरूज ही हो गया। जब तुम मुझे सही वक्त पे अस्पताल ना ले जाती तो तुम्हारे ताया अबू तो गए थे। अल्लाह ना करे ताया अबू आपको हमारी उम्र भी लग जाए। तुम मुझे अपनी उम्र दे रही हो और मैंने तो कभी इन रिश्तों की परवाह ही नहीं, हमेशा रुपया पैसा दौलत इसी के पीछे भागता है और उन रिश्तों को कोई अहमियत ही नहीं दी, तो आज मुझे अपने जान निछावर कर रहा। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, खून के रिश्ते कभी खत्म थोड़ी होते। ये कागजात प्रॉपर्टी के बिजनेस के जिनको मैं नादानी में अपना हक समझता, लेकिन मुझे पता है मैं गलत, ये तुम्हारा हक है। और सच तो ये है कि तुमने मेरी वजह से बहुत महरूमी की जिंदगी गुजारी है इंसान, हो सके तो मुझे माफ कर दो। लेकिन भाई साहब बस बस ये तुम्हारा हक है तो तुम्हें रखना पड़ेगा। सर सिर्फ एक चीज तुमसे अपना हक समझ के मांग रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप, आपकी हर बात मेरी सर आंखों पर। अपने इस नालायक बेटी के लिए तुम्हारी उरेन का रिश्ता मांग रहा हूं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। भाई साहब उरेन कल भी आपकी बेटी थी और आज भी आप ही की बेटी है। अंसर तुमने मुझे ईद का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, इससे पहले ही ठीक इस ईद पर इंशाल्लाह अरबाज और हुरैन की मंगनी करेंगे।